जो लोग हमको लोगों को पीलीभीत के लोगों को चप्पल वाले समझते हैं कि ये हमारी चप्पल खाते हैं, नेता बोलते हैं ना, वो नेता जब यहाँ आए थे तो मम्मी के सामने अपनी रो रहे थे, मम्मी मम्मी और कहीं तो मेरा काम नहीं चलेगा, पीलीभीत की जनता भोली भाली है, नकुल लेके आ गए यहाँ कि यहाँ मैं इन लोगों को ठग लूंगा। पीलीभीत की जनता जग चुकी, मैं उनके लिए चार लाइनें कहना चाहता हूँ कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ कुछ दिल पीलीभीत के लोगों को, पीलीभीत के लोगों ने बगावत अब कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रेत घमंडी आदमी तुझे झुकना होगा, पीलीभीत की जनता ने बगावत कर दी है। और उनको समझ आना चाहिए कि 2000 जो चप्पल उठाते हैं वो चप्पल बहुत तेजी से मारते हैं, और चप्पल उठाने वाला चप्पल मारता है, और ऐसी चप्पल मारी 2022 में कि जो ऐसी छपी है कि भूले नहीं है चारों चीजों पर आप लोग, ऐसी चप्पल मारी कि कमल खिलाया के, ऐसी चप्पल मारी कि जो अभी तक भूले नहीं है, कभी कभी सपने में आपके सज्जे भैया याद आते हैं। उन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, वो नहीं चाहते कि यहाँ कमल खिले, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई नौजवान जीते, वो नहीं चाहते कि यहाँ पर योगी मोदी का परचम लहराए। मित्रों, हर घर में योगी बैठे हैं, हर घर में मोदी बैठे हैं, इसलिए किसी की ताकत नहीं है कि कोई यहाँ कमल खिलाने से रोक ले। रहते नहीं रहते बताओ, हर घर में मोदी योगी रहते हैं, पीछे तक बताओ, हर घर में मोदी योगी रहते हैं, हर घर में मोदी रहते हैं, हर घर में योगी रहते हैं, और कमल खिला के बीसलपुर के लोग फिर से सबका मोदी योगी के इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन जोड़ने का काम करेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ, इस विश्वास के साथ कि जितनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आज चुनाव कमल का फूल लड़ रहा है, आज चुनाव शशि जायसवाल नहीं, आप सबकी बिटिया लड़ रही है, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो 14-15 दिन है, ये 14-15 दिन भारतीय जनता पार्टी के नाम कर दो,